निम्नलिखित में से सही संबंध बताए। ये सभी तक हमने त्वरण का कंसेप्ट समझ लिया था। अब ये निम्नलिखित चार ऑप्शन में से सही संबंध बताना वेग और त्वरण के सब रिलेशन में। पहला ऑप्शन है वेग नियत है त्वरण नियत है। क्या ऐसा हो सकता है कि वेग नियत हो और त्वरण नियत हो? देखो त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण का मतलब होता है वेग में परिवर्तन प्रति एकांक समय में। प्रति एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होगा उसे त्वरण कहेंगे। अब वेग अगर नियत है तो वेग में परिवर्तन कितना होगा? शून्य। नियत चीज में परिवर्तन कितना होता है? शून्य। अगर ये त्वरण शून्य होगा तभी वेग नियत संभव है, और यहां पर क्या लिखा है त्वरण नियत है, तो यह संभव नहीं होगा। पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा ऑप्शन देखो, वेग बढ़ रहा है, वेग क्या हो रहा है लगातार बढ़ता जा रहा है, त्वरण नियत है, क्या यह संभव है? देखो नियत त्वरण का मतलब क्या हो गया कि वेग में परिवर्तन का दर जो है ना वो एक समान रूप से बढ़ रहा है और वेग यहां पे बढ़ रहा है, यह संबंध सही हो सकता है। तीसरा ऑप्शन देखो, वेग बढ़ रहा है लेकिन त्वरण जीरो है। त्वरण का मतलब फिर से क्या होता है समझो, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं अपन, त्वरण। ये ताक्षणिक त्वरण हो गया, औसत त्वरण होता है कुल वेग में परिवर्तन बटा लिया गया कुल समय। अब ये कह रहा है त्वरण जीरो है, मतलब यहां अगर त्वरण जीरो रखोगे तो डीवी बाई डीटी जीरो होगा, और किसी भी चीज का अवकलन यदि जीरो है तो वो हमेशा नियत होना चाहिए। तो यहां पे वी क्या होगा? नियत होगा। यहां पे वी क्या है? बढ़ रहा है, मतलब ये संबंध सही नहीं है। चौथा ऑप्शन देखते हैं, वेग लगातार बढ़ रहा है और त्वरण घट रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? तो देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये जो संबंध है ना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मान लो कि एक कार है, क्या ये कार है, और इसका वेग v इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड था t इज इक्वल टू 0 पे। v इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे। कुछ समय बाद इसका वेग हो गया 10 मीटर पर सेकेंड t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। थोड़ी देर बाद इसका वेग हो गया 18 मीटर पर सेकेंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। थोड़ी देर बाद इसका वेग हो गया 26 मीटर पर सेकेंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे। मान लो ऐसा, अब वेग पे देखा जाए तो t इज इक्वल टू 0 पे वेग था इसका 0, t इज इक्वल टू 1 पे वेग था 10, t इज इक्वल टू 2 पे वेग है इसका 18, और t इज इक्वल टू 3 पे वेग है 26। लगातार वेग का परिमाण बढ़ता जा रहा है, मतलब वेग बढ़ गया। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। अब मैं अगर इन दोनों के बीच t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच में देखो वेग कितना परिवर्तित हुआ है, तो ये वेग है 10 और यहां था 0, परिवर्तन कितना हुआ 10, समय कितना लगा 1, तो यहां पे त्वरण कितना होगा सोच के बताओ। त्वरण हो गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे वेग कितना है 10, यहां पे वेग कितना है 18, कितना परिवर्तित हुआ 8, समय कितना लगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वेग बदला है 8 मीटर पर सेकेंड। 18 माइनस 10 कितना हो गया 8, तो त्वरण कितना होगा बेटा बोलो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे वेग बताओ 18, यहां पे वेग है तुम्हारा 26, तो एक मिनट रुक जाओ, ये 24 मान लो, ये डेटा अपन मान रहे हैं ना, या वो थोड़ी ना अपन ने माना था एक कहानी, तो ये भी 18 मीटर पर सेकेंड और यहां पे 24 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना बदला वेग में, कितना परिवर्तन हुआ, तो 24 माइनस 18 6, समय कितना लगा 1 सेकेंड, तो त्वरण कितना हो जाएगा कुल वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय, 24 माइनस 18 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब थोड़ा ईमानदारी से समझो कि हो क्या रहा है, 0 से 10 से 18 से 24 हो गया वेग, मतलब वेग लगातार बढ़ रहा है, वेग क्या हो रहा है लगातार बढ़ रहा है, और त्वरण पहले था 10, फिर था त्वरण 8, फिर है त्वरण 6, तो त्वरण लगातार क्या हो गया घट गया, तो वेग बढ़ रहा है और त्वरण घट रहा है, यह संभव है। ये डी ऑप्शन देखो मैथमेटिकली मैंने समझाया तुम्हें संभव है। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझो, त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन, प्रति एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होगा उसको कहते हैं हम लोग त्वरण। तो देखो यहां पे 0 से 10 मीटर पर सेकेंड वेग बदला है, मतलब वेग में परिवर्तन हुआ है तुम्हारा 10 और समय लगा 1 सेकेंड। अब प्रति एकांक समय में जो वेग परिवर्तित होगा उसको कहते हैं त्वरण। अब यहां से वेग और बढ़ा लेकिन पहले जितना परिवर्तन हुआ था उतना नहीं बढ़ा, वेग बढ़ा लेकिन पहले जितना नहीं बढ़ा, पहले 10 बदल बढ़ गया था अब तो 8 ही बढ़ा, फिर वेग बढ़ा 10 से 18 हो गया, फिर वेग बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना पहले बढ़ा था, यहां पे वेग कितना बढ़ा, यहां पे वेग बढ़ा सिर्फ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 18 है और ये 24 है, वेग कितना बढ़ा 6 बढ़ा, मतलब वेग बढ़ा लेकिन पहले 1 सेकंड में 10 बढ़ा था, फिर 1 सेकंड में 8 बढ़ा, फिर 1 सेकंड में 6 बढ़ा, फिर 1 सेकंड में
धीरे धीरे कमी बढ़ेगा। मतलब प्रति एकांक समय में जो वेग बढ़ रहा है वो पहले ज्यादा बढ़ा था, बाद में धीरे धीरे कम बढ़ रहा है। वेग तो बढ़ ही रहा है, लेकिन वेग में जितना बढ़ रहा है उसके बढ़ोतरी होने में जितने दर से बढ़ रहा है वो कम हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेग बढ़ रहा है और त्वरण घट रहा है, ये संभव है। वेग बढ़ रहा है, त्वरण नियत है, ये भी संभव है। लेकिन वेग नियत हो तो त्वरण पक्का जीरो होना चाहिए, क्योंकि त्वरण होता है वेग में परिवर्तन प्रति एकांक समय में। अगर वेग नियत है तो त्वरण क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन ये त्वरण नियत दिया होता इसलिए गलत है। ये ऑप्शन किस लिए गलत है? समझ में आ गया। ये v बढ़ रहा है, अगर वेग बढ़ रहा है तो वेग को बढ़ाने वाला त्वरण ही तो होगा। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन। वेग बढ़ा है मतलब त्वरण होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा नहीं त्वरण जीरो है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी और डी। तो इसको पॉज करके इस डेटा के साथ लिखो, इस डेटा के साथ लिखो। चलो दूसरा देखते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत संबंध बताएं। ये जो सारे सवाल है वो सारे कंसेप्चुअली सवाल अपन डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से गलत संबंध बताएं कौन सा होगा। देखो वेग बढ़ रहा है, त्वरण घट रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? अभी तो देखा था ऐसा हो सकता है, तो ये सही संबंध है। लेकिन हमें से क्या पूछा है? गलत पूछा है, तो गलत वाला ही हमें टिक करना है। वेग घट रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, लगातार वस्तु का वेग क्या हो रहा है? घटता जा रहा है, और त्वरण क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो मान लो किसी वस्तु का वेग था यहां पे 50 मीटर पर सेकंड, मान लो एक केस, ठीक है ना। अब यहां से इसका वेग हो गया 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक सेकंड बाद t इक्वल टू जीरो पे था, t इक्वल टू वन पे था। डेटा से अपन देखते हैं तो आसानी से समझ आ जाएगा। ये t इसका वेग हो गया फिर से तुम्हारा 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर t इज इक्वल टू दो पे, और फिर इसका t इज इक्वल टू तीन पे इसका वेग हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब अच्छे से सुनना, बताओ यहां पे वेग कितना है? 50। यहां पे वेग कितना है? 40। कितना कम हो गया? 10 कम हुआ। समय कितना लगा है? एक सेकंड। मतलब यहां पे तो त्वरण होगा माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां पे वेग देखो 40 और ये 25, मतलब माइनस 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे देखो 25 और ये 5, ए बराबर बोलो क्या होगा? माइनस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डेटा से निकालो ना भाई। तो पहले त्वरण था 10, फिर त्वरण था 15, फिर त्वरण था 20। तो त्वरण का जो परिमाण है वो लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन वेग लगातार क्या हो रहा है? घट रहा है। वेग कैसे घट रहा है? देखो 50, 40, 25, तो वेग लगातार घट रहा है। तो ये संबंध सही है, ये गलत नहीं है, सही है। अच्छा त्वरण नियत है और वेग घट रहा है, ये भी सही है। कोई वस्तु मान लो आगे जा रहा है और नियत त्वरण में पीछे लगाऊंगा तो बताओ ना वेग का क्या होगा? घटेगा, ये तो केस डिस्कस किया है, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन देखते हैं। बी नियत है, वेग क्या है? नियत है और त्वरण बढ़ रहा है। अगर वेग नियत है तो डी भी क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा? जीरो। और वेग में परिवर्तन प्रति एकांक समय में होता है त्वरण, तो यहां से त्वरण क्या होना चाहिए? जीरो। लेकिन ये बता रहा है त्वरण बढ़ रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। और जो गलत होगा, जो गलत संबंध होगा, वही आंसर आपको टिक करना है। तो यही आपको आंसर टिक करना है। ये जो संबंध है वो गलत है और गलत ही आपको बताना था, तो ये संबंध जो है वो गलत है। ये संबंध क्या है? गलत है। तो यही आपका सही आंसर में चला जाएगा। क्लियर है क्या ये बात? लिखिए इसको पॉज करके। ये कंसेप्चुअल सवाल है, इससे आपको वेग त्वरण का एहसास होगा कि वेग त्वरण क्या होता है। आगे देखिए, जब भी आप काइनेमेटिक्स से सवाल करेंगे तो त्वरण का प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो मान लो कि त्वरण की प्रकृति कितने तरीके के हो सकते हैं, तो तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला त्वरण शून्य है, दूसरा त्वरण नियत है, तीसरा त्वरण परिवर्तित है। तो तीन तरह के त्वरण की प्रकृति संभव है। अब मान लो मैं कहता हूं त्वरण शून्य है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए बराबर होता है डीवी बाई डीटी, और मैं कह रहा हूं त्वरण शून्य है, मतलब डीवी जीरो है। अगर डीवी वेग में परिवर्तन जीरो है, देखो तो वेग क्या हो जाएगा? नियत। तो त्वरण शून्य है का मतलब वेग नियत, और वेग नियत है तो एक समान गति होता है, एक समान गति। तो एक समान गति के लिए दो चीजें जरूरी है, हालांकि दोनों चीजें एक दूसरे को ही रिप्रेजेंट करती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। और वो दोनों चीजें हैं कि यदि त्वरण जीरो है, क्या है बेटा? यदि त्वरण जीरो है, यदि त्वरण जीरो है तो गति कैसा होगा? एक समान होगा, एक समान होगा। और त्वरण और एक समान गति के लिए वेग क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए, और त्वरण क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये एक समान गति का उदाहरण है, एक समान गति का उदाहरण है कि त्वरण जीरो और वेग नियत। अगर वेग नियत है,
तो इसमें जो विस्थापन तय करेगा वस्तु क्या करेगा, तो ये विस्थापन तय करेगा, विस्थापन बराबर होगा वेग गुना समय। तो एक ही सूत्र इसमें लगेगा, कोई खास बात है नहीं, क्योंकि वेग परिवर्तित हो नहीं रहा है, नियत वेग से वस्तु चलता रहेगा, मतलब दिशा भी परिवर्तित नहीं होगा, एक ही दिशा में जाता रहेगा। तो जितना विस्थापन तय करेगा वो विस्थापन होगा वेग गुना समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, वेग गुना समय। विस्थापन बराबर होगा वेग गुना समय। अच्छा, जो विस्थापन होगा वही दूरी होगा, जो विस्थापन होगा वही दूरी होगा। क्यों जो विस्थापन होगा उतना ही दूरी होगा, ऐसा क्यों? क्योंकि दूरी बराबर होता है, अगर वस्तु दिशा परिवर्तन ना करे तो दूरी और विस्थापन क्या होता है, बराबर होता है। अब देखते हैं, यदि त्वरण नियत है, यदि वस्तु का त्वरण कैसा है, नियत है, नियत त्वरण से वस्तु गति कर रहा है, त्वरण नियत है, तो वेग कैसा होगा, परिवर्तित होगा, क्योंकि वेग परिवर्तित होगा तभी तो त्वरण नियत में कुछ होगा, तो वेग होगा परिवर्तित। और नियत त्वरण के सवाल को सॉल्व करने के लिए अलग से हमने परिभाषित किया हुआ है गति का समीकरण, जिसका डेरिवेशन भी हम करेंगे, लेकिन आपको ये 9वीं क्लास में पढ़ा होगा गति का समीकरण। गति का समीकरण का पहला नियम होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो ये जो गति के समीकरण हैं ये सिर्फ नियत त्वरण के लिए ही वैध होते हैं। ये किसके लिए वैध है, सिर्फ नियत त्वरण के लिए, सिर्फ नियत त्वरण के लिए, सिर्फ नियत त्वरण के लिए ही गति का जो समीकरण है वो वैध होगा। अगर त्वरण परिवर्तित है तो गति का समीकरण सही नहीं होगा। आगे देखिए, यदि त्वरण परिवर्तित है तो याद रखिएगा, त्वरण परिवर्तित है मतलब त्वरण का परिमाण नियत नहीं है, त्वरण परिवर्तित है, ए परिवर्तित है। अगर त्वरण परिवर्तित है तो वेग भी परिवर्तित होगा, क्योंकि त्वरण है तो वेग तो परिवर्तित करेगा, वेग नियत संभव है ही नहीं, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, और जो त्वरण है वो भी परिवर्तित है तो वेग तो परिवर्तित हो गए। अगर वेग परिवर्तित हो तो क्या गति एक समान होगा, नहीं, गति असमान होगा। कैसा होगा, गति असमान होगा। इसमें भी गति का प्रकृति कैसा होगा बेटा, इसमें भी गति असमान होगा, क्योंकि एक समान गति का मतलब होता है वेग नियत, और यहाँ पे त्वरण नियत है, त्वरण नियत तो वेग तो परिवर्तित होगा, तो गति कैसा होगा, असमान। ठीक है, तो अपने को ज्यादा इसमें नहीं जाना, अपने को तो ये समझना है कि यदि त्वरण जीरो हो तो वेग नियत होता है और एक समान गति होता है, इसमें बस ये इक्वेशन बनता है विस्थापन बराबर वेग गुना समय। तो जीरो त्वरण के सवाल को सॉल्व करने के लिए एक ही सवाल, ये एक ही सूत्र है, लेकिन नियत त्वरण है तो उसमें वेग परिवर्तित होगा, तो वेग किस तरीके से परिवर्तित होगा, तो v बराबर u प्लस at से परिवर्तित होगा पहला। विस्थापन कितना तय करेगा, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर विस्थापन तय करेगा, है ना। विस्थापन और वेग में क्या संबंध होगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ac। ये तीन गति के मूलभूत सूत्र हैं, ये कब लगेंगे, जब त्वरण नियत होगा। अगर त्वरण परिवर्तित होगा तो हम गति को असमान बोलेंगे, और इसमें समाकलन तथा अवकलन से सवाल सॉल्व होगा, अवकलन तथा समाकलन सवाल करेंगे, मतलब गति के समीकरण यहां पे वैध नहीं होगा, यहां पे आपको अवकलन तथा समाकलन से ही सवाल को सॉल्व करना होगा। क्या ये बात आपको समझ आ गया, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा, ये स्थिति है, स्थिति x, स्थिति सदिश, वेग v वेक्टर, और ये आपका त्वरण a वेक्टर, ये आपका त्वरण a वेक्टर। अब ये तीन मूलभूत भौतिक राशि हमने पढ़ा है, स्थिति, वेग और त्वरण। अब मान लो तुम्हें वेग दिया जाता है, क्या दिया जाता है साहब, वेग दिया जाता है, और वेग से तुमसे त्वरण पूछ रहा है, या त्वरण देके वेग पूछ रहा है, या स्थिति देके वेग पूछ रहा है, तो कोई एक भौतिक राशि दिया होगा और दूसरा भौतिक राशि आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यह है स्थिति, ये क्या स्थिति, अब स्थिति से अगर आपको वेग निकालना है, स्थिति यदि दिया हुआ है और आपको वेग निकालना है, तो स्थिति का अवकलन कर देंगे dx by dt, तो आपको मिल जाएगा वेग। बहुत आसान है, स्थिति से वेग तक जाने के लिए क्या करते हैं अपन, अवकलन करते हैं, स्थिति से वेग तक जाने के लिए क्या करते हैं, अवकलन। अच्छा, अगर वेग दिया है और त्वरण निकालना है तो भी अवकलन,
डी वी बाई डी टी को ही आप त्वरण कहते हैं, लेकिन यह अवकलन समय के सापेक्ष कर रहे हैं और यह अवकलन तभी होगा जब वेग समय के फलन में दिया होगा, तभी तो आप समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यदि वेग स्थिति के फलन में दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका दूसरा सूत्र यूज करना पड़ेगा, वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, मतलब अवकलन तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अवकलन कर किसका, वेग का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, और फिर क्या करना पड़ेगा, वेग से गुना भी करना पड़ेगा, तो यह आपने किया है। ठीक है, तो बताओ यदि आपको स्थिति पता है तो वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। यदि स्थिति पता है तो वेग निकालने के लिए, ये पॉज करके लिख तो लिया था बेटा, इसको पॉज करके लिखना है, ये जरूरी बात है कि अलग अलग त्वरण की स्थिति में आप कैसे सोचेंगे। यदि त्वरण जीरो है तो गति एक समान होगा और विस्थापन बराबर वेग गुना समय होगा। यदि त्वरण नियत है तो गति के समीकरण यूज करेंगे, त्वरण नियत के लिए ही गति के समीकरण वैध होते हैं, बस जो नौवीं क्लास में भी आपने पढ़ा था। और यदि परिवर्तित त्वरण है तो समाकलन और अवकलन से ही सवाल सॉल्व होगा, और वो समाकलन अवकलन से कैसे होगा, तो ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये किसके लिए बना रहा हूं, परिवर्तित त्वरण के लिए। अगर त्वरण परिवर्तित होगा तभी तो लगाएंगे ना इसको, नियत त्वरण के लिए थोड़ी ना लगाएंगे। तो अगर स्थिति दिया हुआ है तो वेग निकालने के लिए क्या करेंगे, dx by dt अवकलन करेंगे, स्थिति से वेग निकालने के लिए अवकलन करेंगे, अच्छा वेग से त्वरण निकालने के लिए भी अवकलन करेंगे, लेकिन यह अवकलन कैसे होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें फलन किस चीज का दिया हुआ है। क्लियर है, अब मानो त्वरण दिया हुआ है और तुम्हें वेग निकालना है, अब त्वरण से क्या निकालना है, अपने को वेग निकालना है, तो त्वरण से वेग निकालने का सही कंसेप्ट क्या होगा, तो मेरी बात सुनना, मेन जो फॉर्मूला है ना वो तो यही है, ए बराबर डीवी बाई डी टी। अब इसी को तोड़ मत मरोड़ के अपने को नया कंसेप्ट बनाना पड़ेगा। देखो अब मान लो तुम्हें वेग पता था तो वेग को अवकलन कर दिया टी के सापेक्ष, त्वरण मिल गया, लेकिन अब त्वरण पता है और वेग निकालना है तो डीवी निकालना है, तो डीटी को इधर ले जाओ, तो क्या लिखूंगा, ए इंटू डी टी, अरे भाई कुछ नहीं किया, डी टी को यहां ले गया, तो ए इंटू डी टी बराबर क्या होगा, डीवी। अब इसका समाकलन कर दो, ये किसका समाकलन है, समय का, कब, कुछ टी इज इक्वल टू जीरो से लेकर के किसी टाइम टी तक, या टी वन से कुछ टी टू मान लो, इनिशियल टाइम जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो ही दिया हो, तो जनरलाइज इनिशियल टाइम को तुम कुछ टी वन मान सकते हो, टी वन से टी टू तक, और इनिशियल वेलोसिटी यू से फाइनल वेलोसिटी कुछ वी तक, ये हो गया तुम्हारा समाकलन। तो त्वरण से अगर वेग निकालना है तो क्या करेंगे, समाकलन। अच्छा वेग से अगर स्थिति निकालना है तो क्या करेंगे, कि अगर मुझे वेग पता है और वहां से क्या निकालना है, स्थिति निकालना है, तो वेग से स्थिति निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अपन यही सूत्र यूज करेंगे, dt को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा v इंटू डी टी बराबर हो जाएगा ये dx। ठीक है, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे, ये समय कुछ t1 से t2 तक समाकलन होगा, तो ये कुछ x1 से x2 तक जाएगा, तो ये हो गया तुम्हारा वेग में परिवर्तन, v का समाकलन समय के सापेक्ष, ये हो गया dx का समाकलन, dx का जब समाकलन करेंगे तो कुछ हो जाएगा x2 माइनस x1, तो ये क्या देगा, स्थिति या स्थिति में परिवर्तन, तो ये मिलेगा यहां से स्थिति में परिवर्तन। अच्छा त्वरण का जब समाकलन करेंगे तो हमें वेग मिलेगा या वेग में परिवर्तन मिलेगा, डेल्टा v मिलेगा, ये वेग में परिवर्तन देगा, ठीक है ना, सीधा वेग नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, वेग में परिवर्तन, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लेते हैं, ये क्या है, वेग में परिवर्तन। बच्चे थोड़ा सा गलती कर देते हैं यहां पे, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, मैं समझा देता हूं आपको, परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, और ये है आपका स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, और स्थिति में परिवर्तन को आपको याद होगा हम विस्थापन कहते हैं, स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो इसको एक लाइन में मैं ढंग से समझा देता हूं, देखो अगर मुझे स्थिति दिया हुआ है और वेग निकालना है तो स्थिति का अवकलन करेंगे, वेग आ जाएगा, dx by dt वेग होता है। अगर मुझे वेग पता है और मुझे त्वरण निकालना है तो इस बात पे निर्भर करता है वेग किसका फलन है। यदि वेग समय का फलन है तो dv by dt त्वरण होता है, यदि वेग स्थिति का फलन है तो v into dv by dt त्वरण हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब त्वरण तक पहुंच गया, त्वरण के आगे कुछ तो होता नहीं है। अब त्वरण से मान लो त्वरण देके वेग पूछे तो त्वरण देके डायरेक्ट वेग नहीं निकाल सकते हैं, त्वरण का समाकलन करेंगे तो वेग में परिवर्तन मिलेगा, और प्रारंभिक वेग अगर आपको पता है तो अंतिम वेग निकल जाएगा। तो सुनो ध्यान से, a into dt का समाकलन करेंगे, देख लो बोर्ड पे, a into dt का समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा dv, डेल्टा v, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और वैसे भी अवकलन एक क्षण पे होता है लेकिन समाकलन एक अंतराल में होता है। बताओ वेग का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, त्वरण, लेकिन त्वरण का समाकलन करेंगे तो वेग में परिवर्तन।
अवकलन एक क्षण पे होता है, इसलिए ताक्षणिक वैल्यू देगा। बेग का अवकलन होगा त्वरण, लेकिन त्वरण का समाकलन होगा, त्वरण का समाकलन होगा बेग में परिवर्तन, क्योंकि समाकलन एक अंतराल में होता है जबकि अवकलन एक क्षण पे होता है। तो बेग का अवकलन त्वरण होगा, लेकिन त्वरण का समाकलन वेग में परिवर्तन होगा। अच्छा चलो आगे देखते हैं, अब पूरी सीरीज तुम्हें बताता हूं। बताओ, स्थिति दिया हुआ है बेग निकालना है, अवकलन करेंगे डीएक्स बाई डीटी वेग मिल जाएगा। बेग दिया हुआ है त्वरण निकालना है, डीवी बाई डीटी करेंगे त्वरण मिल जाएगा। त्वरण दिया हुआ है बेग निकालना है, समाकलन करेंगे बेग में परिवर्तन मिलेगा। बेग दिया हुआ है स्थिति निकालना है, बेग का समाकलन करेंगे स्थिति में परिवर्तन मिलेगा। उस स्थिति में परिवर्तन को हम कहते हैं विस्थापन। तो पॉज करके बहुत अच्छे से लिखो, क्योंकि पूरे काइनेमेटिक्स में आपको यही काम करना है, घूम घूम के ठीक है ना। तो पता होना चाहिए कि क्या दिया हुआ और क्या निकालेंगे। हालांकि ये काम कब करेंगे, जब परिवर्तित त्वरण दिया हो। अगर नियत त्वरण दिया हो तो क्या करेंगे, नियत त्वरण के लिए हमारे पास होगा गति का समीकरण। समाकलन अवकलन नहीं करना है, समाकलन अवकलन नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब त्वरण नियत हो। यदि त्वरण परिवर्तित हो तो क्या करना है, समाकलन और अवकलन करना है। कैसे करना है, स्थिति दिया हो और बेग निकालना हो तो अवकलन करेंगे स्थिति का। आगे जाने के लिए अवकलन करते हैं, आगे जाने के लिए अवकलन करते हैं, और पीछे आने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। पीछे आने के लिए क्या करते हैं, समाकलन। आगे जाने के लिए अवकलन करते हैं, पीछे आने के लिए समाकलन करते हैं। ठीक है क्या ये बात, तो पॉज करके इसको लिखो। आगे देखो, यदि स्थिति x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 है तो त्वरण का मान बताओ। बहुत आसान है, देखो भाई, अगर मैं स्थिति का समाकलन करूंगा। अब तुम बोलोगे सर स्थिति दिया हो तो त्वरण कैसे निकालेंगे। भाई साहब स्थिति दिया हो तो एक बार अवकलन करके बेग निकालो, और एक बेग का एक बार अवकलन करके त्वरण निकालोगे, और क्या करोगे। चलो एक बार अवकलन करते हैं इसका, क्या करते हैं एक बार अवकलन करते हैं। dx / dt क्या होगा तेरा, बेग कर एक बार अवकलन 2t प्लस 4। अरे भाई x का एक बार अवकलन करोगे dx / dt, ये होगा बेग, ये होगा 2t प्लस 4। अच्छा इसका एक बार और अवकलन करो तो त्वरण बराबर हो जाएगा dv / dt। इसका एक बार और अवकलन करो तो ये हो जाएगा 2t का अवकलन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो त्वरण बराबर क्या होगा बोलो, त्वरण बराबर होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आंसर, त्वरण बराबर क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या ये बात, बिल्कुल ठीक बात है। अब आगे देखो, यहां से खास बात बताऊंगा, अभी रुक जाओ। यदि त्वरण v बराबर kt स्क्वायर दिया हुआ है, सॉरी बेग बराबर kt स्क्वायर दिया हुआ है, त्वरण बताओ। तो बेग का एक कार अवकलन करेंगे तो त्वरण हो जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, k नियत है बाहर रहेगा, t स्क्वायर का अवकलन 2t, तो ये हो जाएगा 2kt। ठीक है सर, यहां पे दूसरा है ये v बराबर kt, इसका एक बार अवकलन करोगे तो त्वरण मिल जाएगा, त्वरण हो जाएगा तुम्हारा k, क्योंकि t का अवकलन t के सापेक्ष हो जाएगा 1। तो ये त्वरण देख रहे होगे नियत जैसा दिख रहा होगा। अच्छा v बराबर kx है, यहाँ से त्वरण निकालना है, तो यहाँ से त्वरण कैसे निकालोगे, यहाँ से त्वरण निकालने के लिए लिखोगे a बराबर v इंटू dv / dx। ठीक है बेटा, v का मान बोलो kx, और dv / dx यहाँ से निकालोगे तो देखो kx है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के सापेक्ष, तो dx / dx 1 हो जाएगा, ये k आ जाएगा, तो ये k स्क्वायर x आ जाएगा। तो यहाँ से त्वरण कैसा मिलेगा, परिवर्तित k स्क्वायर x, x पे निर्भर कर रहा है ना, स्थिति पे निर्भर कर रहा है। यहाँ स्थिति है तो त्वरण कुछ और होगा, आगे स्थिति होगा तो त्वरण कुछ और होगा। अच्छा v बराबर k रूट x है, यहाँ से त्वरण निकालने के लिए क्या करोगे, तो लिखोगे a बराबर v इंटू dv / dx। तो v बताओ क्या है, k रूट x है साहब, चलो लिख दो k रूट x। अच्छा बताओ dv / dx क्या होगा, तो इसको अवकलन करोगे तो k बाहर रहेगा, और रूट x का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये हो जाएगा तेरा k बाहर रहेगा 1 अपॉन 2 रूट x। तो रूट x से रूट x कैंसिल हो गया, अगर रूट x से रूट x कैंसिल हो गया तो एक खास बात देखने को मिलेगा, a बराबर आ जाएगा k इंटू k स्क्वायर बाई 2। k स्क्वायर बाई 2 इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज कि ये नियत आ रहा है x में निर्भर नहीं कर रहा है। अब इस पूरे को मैं समराइज करता हूं और यहां से एक बहुत जबरदस्त बात बताऊंगा जो कि पूरे फिजिक्स में तुम्हारे काम आएगा। अब देखना यहां पे क्या मैं बात बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि यदि स्थिति के फंक्शन में टाइम का घात, समय का घात 2 है, यदि स्थिति के फलन में समय का घात 2 है, अधिकतम घात है तो घात 1 भी, लेकिन अब एक की तुलना में तो 2 ही को कंसीडर करेंगे ना। तो यदि समय के फलन में अधिकतम घात समय का 2 है, समय का घात यदि 2 है, छोड़ना 1 है तो भी इग्नोर करो, मेन अधिकतम घात देखेंगे, अधिकतम घात ही बोल रहा हूं मैं, तो 1 है तो उसको छोड़ो, इग्नोर करो, अधिकतम घात क्या लेंगे 1 और 2 की तुलना में 2। तो यदि समय के फलन में, सॉरी स्थिति के फलन में, स्थिति के फलन में मतलब स्थिति के सूत्र में
समय का अधिकतम घात 2 है तो त्वरण नियत होगा। देखो यहां से जब मैंने अवकलन किया तो एक बार अवकलन किया तो ये आया, और जब इसको अवकलन किया तो देखो त्वरण आया 2 m/s², मतलब त्वरण कैसा है, नियत है, ये इंपॉर्टेंट है। त्वरण का मान जो आया वो फिक्स 2 आया है। तो यहां से यदि एक्स बराबर टी क्यूब है तो त्वरण नियत नहीं होगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। क्यों नहीं होगा, मान लो यहां पे क्यूब रखता हूं तो एक बार अवकलन करूंगा तो 3t² आएगा, समझना मेरी बात। अगर ये क्यूब है तो इसका एक बार अवकलन करूंगा, ले कर लेता हूं, इसी का एक बार अवकलन करके दिखाता हूं, dx/dt बता क्या होगा, 3t², और एक बार और करोगे तो dv/dt, ये बेग ही तो है, ये होगा तेरा 60। मतलब त्वरण के फॉर्मूले में समय आ गया, मतलब त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है, समय पे निर्भर कर रहा है। अगर त्वरण समय पे निर्भर कर रहा है, अगर त्वरण समय पर निर्भर कर रहा है मतलब त्वरण नियत नहीं है। तो अगर स्थिति के फलन में समय का अधिकतम घात 2 है तभी त्वरण नियत होगा। जैसे यहां देखो, ये अगर kt² है, वेग के फलन में समय का घात 2 है, इसको एक बार अवकलन करोगे तो टाइम नहीं जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ टी होता तो एक बार अवकलन करोगे तो देखो ये क्या जाएगा, नियत। तो अगर ऐसा है तो त्वरण क्या जाएगा, नियत। k बराबर v बराबर kx है, तो तुम तो ये समझोगे त्वरण निकालते कैसे, तो v बराबर यदि kx है तो त्वरण बराबर होगा v dv/dx। यहां से देखो a बराबर क्या जाएगा तुम्हारा k²x, मतलब त्वरण नियत नहीं है। लेकिन अगर v बराबर k√x है तो त्वरण कैसा आ रहा है, नियत। तो तुम्हें तीन बात याद रखनी, पहले इसको लिख लो पॉज करके, पहले पॉज करके लिख लो, अरे भाई सवाल समझ के इसको पॉज करके पहले लिख लो, अब मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं उसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, तुम्हें क्या याद रखना है, ये तो पॉज करके लिख लिया, तुम्हें क्या याद रखना है कि यदि, याद रह जाएगा चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि ये इसको मैं बॉक्स में लेके लिख रहा हूं, यदि स्थिति के फलन में समय का अधिकतम घात 2 हो, वेग के फलन में समय का अधिकतम घात 1 हो। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर स्थिति के फलन में समय का घात 2 है और एक बार अवकलन करोगे तो तुम्हें वेग मिलेगा, तो अवकलन करने से घात को 1 से माइनस करते तो घात तो यही बचेगा, और वेग के फलन में स्थिति का घात 1/2 हो या √x हो तो त्वरण नियत रहता है। अब इसके अलावा कुछ भी होगा ना तो त्वरण नियत नहीं रहेगा, त्वरण 0 हो जाएगा या परिवर्तित होगा, लेकिन त्वरण नियत नहीं रहेगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसको तुम्हें पैरिटी बेसिस पे रट जाना है, इसको रट जाना है। मैंने यहां पे इससे पहले 3 सवाल करा के तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि कौन से सूत्र में, कौन से सवाल में त्वरण नियत आ रहा है, कौन से में परिवर्तित आ रहा है। 4-5 सवाल वी का दे दिया था मैंने, वी बराबर kt² बताओ, वी बराबर kt² त्वरण नियत है कि परिवर्तित है, तो टी का पाथ 2 है, वेग के फलन में टी का घात 2 परिवर्तित हो जाएगा। देखो एक्स को अवकलन करोगे तभी तो वेग मिलेगा, तो एक्स में समय का घात जो भी होगा तो एक से कम होगा तभी वेग मिलेगा ना, इसीलिए समय का एक्स के फलन में समय का घात 2, वेग के फलन में समय का घात 1, और वेग के फलन में स्थिति का घात 1/2 होगा तभी त्वरण नियत होगा, अन्यथा त्वरण हमेशा परिवर्तित आएगा। तो नियत त्वरण एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है काइनेमेटिक्स में, काइनेमेटिक्स में नियत त्वरण एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि त्वरण नियत कब होगा, कब होगा त्वरण नियत, यदि एक्स के सूत्र में टाइम का घात 2 है तो त्वरण नियत है, 3 है तो नहीं होगा, 4 है तो नहीं होगा, 5 है तो नहीं होगा, यदि एक्स बराबर टी का घात 1/2 है तो नहीं होगा, यदि एक्स बराबर टी का घात 5/2 है तो नहीं होगा, यदि एक्स बराबर 1/√t है तो नहीं होगा, एक्स बराबर टी क्यूब है तो नहीं होगा, एक्स बराबर टी का पाथ 5 है तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब एक्स में समय का घात 2 है, इसके अलावा कभी भी त्वरण नियत नहीं होगा। सिर्फ यही कंडीशन है, सिर्फ यही कंडीशन है। और वेग की बात की जाए तो वेग के फलन में समय का घात 1 होना चाहिए, और वेग के फलन में स्थिति की बात की जाए तो √x होना चाहिए या x का घात 1/2 होना चाहिए। ये तीनों ही एक ही कंसेप्ट को बता रहा है कि अगर ऐसा है तो त्वरण नियत है, अगर ऐसा है तो त्वरण नियत है। क्लियर है, इसको रटो अच्छे से, लिख लो पहले और इसको रटो, बहुत काम आएगा ये। आगे देखो, देखो इधर IIT मेन का सवाल है, 15 या 16 का सवाल, एग्जैक्टली याद नहीं है। अब IIT मेन मतलब IIT का सवाल है, लेकिन अभी मैंने जितने स्ट्रेस देके तुम्हें चीजें समझाया है, अगर तुमने वो समझा होगा तो इस सवाल को देख के आंसर कर सकते हो। क्या समझा होगा, देखो सवाल लिखा है मैंने, यदि वस्तु का वेग v बराबर k√x है, अगर वस्तु के वेग v बराबर k√x है तो याद करो कि वेग के फलन में अगर x का घात 1/2 हो जाए तो त्वरण नियत होता है, तो देखते ही पता हो जाना चाहिए। चल भाई पता चल गया सर, ये ऐसी वस्तु का गति है, एक वस्तु का ऐसा गति है जिसमें त्वरण नियत है, वस्तु का ऐसा गति है जिसमें त्वरण नियत है, समझ आ गया सर, ठीक है।
तो स्थिति के लिए सही संबंध बताएं चार में से क्या होगा। तो स्थिति देखो वस्तु का यदि त्वरण नियत है, यदि v बराबर k रूट x है तो वस्तु का स्थिति, वस्तु का त्वरण नियत है तो स्थिति भी नियत त्वरण को ही प्रदर्शित करना चाहिए। उसी वस्तु की स्थिति पूछिए, ये नियत त्वरण नहीं है घात एक है, ये नियत त्वरण नहीं है घात एक बटा दो है, घात दो है ये नियत त्वरण है, ये नियत त्वरण नहीं है, आंसर आ गया। रफ्तार देख लो इधर, समझ आया कि नहीं आया कि निकल गया रे वो, समझने की कोशिश कर भाई बहुत आसान है। यदि त्वरण नियत है, यदि त्वरण कैसा है नियत है, कैसे पता चला v बराबर k रूट x से त्वरण नियत है, इस बस इसी वस्तु का, जिस वस्तु का ये बेग है उसी वस्तु का स्थिति बताना है। तो यदि ये नियत त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है तो उसका स्थिति भी नियत त्वरण को प्रदर्शित करना चाहिए और आंसर आ जाएगा ये बी आंसर आ गया। बिना कैलकुलेशन बुद्धि लगाया सीधा आंसर आ गया, समझ आया कि नहीं है। देखो इधर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, v बराबर x स्क्वायर माइनस 2x है तो त्वरण का मान बताएं जब वस्तु का वेग शून्य होगा। देखो v x का फलन है तो आप a बराबर त्वरण निकालने के लिए dv by dt यूज नहीं कर सकते, आप a बराबर यूज करेंगे v into dv by dx। अब बताओ अगर इसको x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या आएगा, यह आएगा 2x माइनस 2, तो यहां पर dv by dx लिख दो 2x माइनस 2 और v से गुना करो तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये v रख दो। लेकिन ये कह रहा है कि त्वरण बताओ जब वस्तु का वेग शून्य है, तो जैसे त्वरण लिखोगे जब वस्तु का वेग शून्य है तो ये हो जाएगा v जीरो, तो त्वरण ही पूरा जीरो हो जाएगा। देखो ना यहाँ पे जैसे ही जीरो रखोगे वेग को तो त्वरण क्या आ जाएगा जीरो, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। तो क्या ऐसा है कि जब वस्तु का वेग शून्य होगा तब त्वरण जीरो ही होगा, इसको पॉज करके पहले लिखो, तुरंत पॉज करके लिखो, ठीक है इसको लिख लिया तुमने। अब मेरी बात सुनो, यदि वस्तु का वेग शून्य है तो तुरंत शून्य ही होगा, हमेशा सुनना अच्छे से, यदि वस्तु का वेग शून्य है तो त्वरण शून्य ही होगा। नहीं, ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। क्यों गलत है? यदि वस्तु का वेग नियत है तभी त्वरण शून्य होगा। ए बराबर होता है डीवी बाई डी टी, तो वेग जीरो है तो त्वरण जीरो, ये जरूरी नहीं है। मान लो वेग पहले माइनस एक था, फिर जीरो हुआ, फिर वन हुआ, फिर टू हुआ, या मान लो वेग अभी जीरो है फिर तुरंत से वन हो जाए, तो वेग तो बदल रहा है ना लगातार, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो वेग जीरो हो तो त्वरण जीरो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि यदि वेग नियत है तब त्वरण जीरो होगा। तो स्टेटमेंट सही है कि गलत है? तो यह स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर इसके जगह पे स्टेटमेंट ऐसा हो, यदि वस्तु का वेग शून्य है तो त्वरण शून्य ही होगा, लेकिन वेग स्थिति का फलन होना चाहिए। क्योंकि त्वरण बराबर होता है v इंटू डीवी बाई डीएक्स, तो साफ साफ इस सूत्र से आप समझ सकते हैं, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा गया है कि यदि इस सूत्र से आप समझ सकते हैं कि यदि वेग शून्य रखेंगे यहाँ पे वेग को जैसे ही शून्य रखेंगे तो dv बाई डी टी कुछ भी हो, dv बाई डी एक्स कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेग को जैसे ही शून्य रखेंगे, देखिए वेग को जैसे ही शून्य रखेंगे त्वरण आपका क्या हो जाएगा, शून्य। लेकिन ये सूत्र तो तब वैलिड है ना जब वेग किसका फलन हो, एक्स का फलन हो, नहीं तो आप यहां पे मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, गुरुत्वीय त्वरण के अधीन जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होता है, गुरुत्वीय गति में, गुरुत्वीय त्वरण के गति में जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर है मतलब समझते हैं ना, जब मैक्सिमम हाइट पे होता है ऊंचाई पर है, उस क्षण पे वस्तु का वेग शून्य होता है। जब वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो जब वापस आ रहा होता है, किसी भी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हो, देखो किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाते जाते अधिकतम ऊंचाई पर रुकता है, जब वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाते जाते अधिकतम ऊंचाई पर रुकता है फिर नीचे आता है,
ठीक है ना। तो अधिकतम ऊंचाई पे बेग क्या हो गया, शून्य। लेकिन गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण मतलब बल तो हमेशा लग रहा है, त्वरण तो हमेशा होता रहेगा। तो अधिकतम ऊंचाई पे देखो बेटा, त्वरण नॉट इक्वल टू जीरो बट बेग इज इक्वल टू जीरो। तो बेग जब जीरो हो तो त्वरण जीरो हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जब बेग नियत है तो त्वरण जीरो होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर तुमसे कह रहा है कि नहीं बेग स्थिति का फलन है, देखो यदि वस्तु का वेग शून्य है तो त्वरण शून्य ही होगा, लेकिन 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 वेग स्थिति का फलन होना चाहिए, ये कंडीशन हो गया। इसी कंडीशन पे ये संभव है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो वेग शून्य होगा तो त्वरण शून्य हो, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? तो पहले तो ये सवाल लिख लीजिए और ये कंसेप्ट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक अपन एक घंटे से ज्यादा क्लास हो गया, लेकिन अभी त्वरण को ही समझने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। जब आप त्वरण को बहुत अच्छे समझ जाएंगे तो आगे आने वाले सवाल रफ्तार में होंगे। देखो एक तो ये है कि मैं तुम्हें त्वरण बोलूं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये औसत त्वरण, ये तात्क्षणिक त्वरण, अब सवाल करो, तो ये सब में सवाल में यही दिखेगा तुम्हें। लेकिन ये क्या है, ये कंसेप्ट है। आप फिजिक्स को ना बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरह एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझे। इसमें कंसेप्ट होता है लेकिन है तो थ्योरेटिकल, ये सब थ्योरी ही तो है, एक बेसिक कंसेप्ट ही तो है, लॉजिकल है बस, न्यूमेरिकल तो बाद में आएगा बेटा। लेकिन नीट के हिसाब से पहले फिजिक्स को थ्योरेटिकल सब्जेक्ट समझो, फिर उसमें थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट ऐड करते जाओ। क्लियर है क्या? आगे देखो, यदि वेग v बराबर रूट अंडर 16 माइनस 8x है तो वस्तु का त्वरण तथा प्रारंभिक वेग बताएं। अच्छा बताओ, तुमने कहीं ऐसा फलन देखा है v इज प्रोपोर्शनल टू रूट x? अगर ऐसा कहीं दिया हो तो त्वरण नियत होता है कि परिवर्तित होता है? अगर ऐसा दिया हो तो पक्की बात है कि त्वरण कैसा होगा, नियत। और अगर त्वरण नियत है तो सवाल को समाकलन और अवकलन से सॉल्व किया जाए कि इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया जाए? तो सवाल को इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व किया जाए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आपके मॉड्यूल में होगा, ये आपके टेस्ट में आएगा, ये आपके डीपीपी में होगा, ये कहीं का भी किताब उठा के देखोगे, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल देखोगे तो ये सवाल होगा। इसलिए मैंने इसको पहले उठाया, ध्यान से देखना। और इस सवाल का जो सॉल्यूशन होगा वैसा नहीं होगा जैसा मैं करा दूंगा तुम्हें, बिल्कुल ढूंढ लेना जाके, मैं देखना एकदम जादुई तरीके से एकदम रफ्तार में आंसर लिख दूंगा। समझा देता हूं, पहले समझना, कंसेप्ट समझो बेटा, दुनिया जो करती है वो मत करो। तो देख लेना इसका सॉल्यूशन 7-8 लाइन में होगा और मैं तुम्हें एक लाइन में बताऊंगा। देख, v बराबर रूट एक्स जैसा दिख रहा है, देखना v इज प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स, रूट के अंदर x का घात 1 है, देखो रूट के अंदर x का घात 1 है, रूट के अंदर x का घात 1 है, रूट एक्स है मतलब त्वरण नियत है। अगर त्वरण नियत है तो इक्वेशन ऑफ मोशन सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा हुआ है ना यार 9th क्लास में तुमने, इस रूट को अगर मैं उधर ले जाऊं तो इक्वेशन क्या बनेगा, देखना ये बनेगा वी स्क्वायर। अच्छा, एक साइन के लिए जो 16 है उसको 4 का स्क्वायर लिख दो तो कोई बुराई है क्या? नहीं सर, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, -8x ये लिख लिया मैंने। तुम्हें नहीं लग रहा ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है? देखिए इधर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2x, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि नहीं बता, है। और त्वरण नियत के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगता तो आंसर आ गया, क्या चाहिए बता? दो सवाल पूछा है, प्रारंभिक वेग तथा त्वरण का मान बताए और सॉल्यूशन एक ही लाइन का है, दो सवाल का आंसर एक ही लाइन में। देख इधर, ये रहा तेरा, देख इधर, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2x, तो देख यहां पे x को छोड़ दे, 2a के जगह पे क्या है, -8, 2a के जगह पे क्या है, -8, यहां से कटेगा -4 आंसर, त्वरण बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया, आंसर आ गया। इस सवाल को लोग करते हैं अवकलन से, पहले dv/dx निकालते हैं फिर उसको v से गुणा करते हैं, अबे कहां मजदूरी कर रहा है, देख इधर आंसर आ गया, बता प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो ये रहा ना वी स्क्वायर यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को यहाँ से यू स्क्वायर से कंसल करोगे, यू बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया, 4 मीटर पर सेकंड, बेग है ये त्वरण है, आंसर आ गया। तुम्हें समझ आया कि नहीं आया? देख बेटा, जब ये सवाल तुम्हें मिलेगा 200%, और तू समझ कि अगर त्वरण नियत है तो इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से कर सकते, समाकलन अवकलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, बस रूट को उधर ले गया तो मुझे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा दिख गया, ये देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जैसा दिख गया, तो इसको इसके साथ क्या कर दिया मैंने, तुलना कर दिया। ये नियत त्वरण के लिए वैलिड है और सवाल में देख के लग रहा है कि त्वरण नियत है, तो नियत त्वरण है तो ये इक्वेशन वैलिड होना चाहिए, तो इसको इसके साथ मैंने तुलना कर दिया, v स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर मतलब यू बराबर 4, 2a बराबर -8, x के जब x होगा तो 2a बराबर -8, a बराबर -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया। क्लियर है क्या ये बात, समझ आ गया? निम्नलिखित में से किस ऑप्शन में त्वरण नियत है? हमने आपको बताया है, यदि समय स्थिति के फलन में समय का घात 2 हो, वेग के फलन में समय का घात 1 हो, और वेग के फलन में स्थिति का घात 1/2 हो, मतलब वेग बराबर रूट एक्स के जैसा हो, तो त्वरण नियत होगा। अब ये इतने सारे सवाल लिख दे, पता नहीं 20-30 हो गए ये,
अब इसे तो नियत है या नहीं नियत है ये आपको देखना है। मैंने सॉल्यूशन करने के लिए जगह नहीं दिया है, लेकिन आपको देख के बता देना है, जैसे मैंने आपको समझा दिया आपको देख के बता देना है बिना सॉल्व किए हुए। और ऐसे सवाल खूब आते हैं कि निम्नलिखित में से किस फलन में त्वरण नियत है या किस फलन में त्वरण नियत नहीं है, क्योंकि त्वरण का नियत होना, त्वरण का परिवर्तित होना या त्वरण का शून्य होना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फिजिक्स में। आइए देखते हैं। पहला सवाल, एक्स के फलन में टी का घात 2 होना चाहिए तभी त्वरण नियत होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं है त्वरण नियत, नहीं है त्वरण नियत, क्योंकि टी का घात 3 है। इसको एक बार अवकलन करेंगे 3t स्क्वायर होगा, दो बार अवकलन करेंगे 60 होगा, मतलब त्वरण बराबर 60 होगा, मतलब त्वरण समय पे निर्भर कर रहा है, मतलब त्वरण नियत नहीं है। समझ आया कि नहीं आया ये बात? आगे देखिए, xt बराबर नियत है, मतलब स्थिति बराबर नियत बटा समय, मतलब स्थिति टी के व्युत्क्रमानुपाती है। इसको कितनी बार भी अवकलन कर दो टी नहीं जाएगा, त्वरण नियत नहीं है, त्वरण नियत नहीं है। एक्स बार रूट टी त्वरण नियत नहीं है, एक्स बार के रूट टी के बटा रूट टी त्वरण नियत नहीं है, टी का घात 3/2 नहीं है। एक्स के फलन में टी का घात 2 होगा तभी त्वरण नियत आएगा, नहीं है त्वरण नियत ही नहीं है। करके देखना, देख ले नहीं होगा तो देखा रटने का फायदा क्या हुआ। कंसेप्ट समझ के रटना भी कभी कभी जरूरी होता है। अब बताओ तुम लोग, नहीं सर हम तो नहीं रटेंगे, हम निकाल के देखेंगे, तो जीवन निकल जाएगा यहां तक निकालते निकालते। और देख मैं जितने सवाल है ना, कितने सवाल है, 20 सवाल है, मैं सिर्फ 5 सेकंड में बता सकता हूं त्वरण नियत है या नहीं है। वो तो मुझे पता है, देखो साइन टी नहीं है क्योंकि समय एक्स बराबर साइन टी है, वाई बराबर कॉस टी होगा, वेग बराबर कॉस टी होगा, सॉरी एक्स बराबर साइन टी है तो वेग बराबर कॉस टी होगा, और वेग का अवकलन करेंगे त्वरण बराबर माइनस साइन टी होगा। देखो नहीं है, नहीं है, नहीं है, है क्योंकि वेग के फलन में समय का घात 1 है। पहली फलन आया जिसमें त्वरण नियत है, दूसरा के रूट एक्स त्वरण नियत होगा, तीसरा एक्स के फलन में टाइम का घात 2 है त्वरण नियत होगा। देखो ये तीनों फलन में त्वरण नियत है, इस तीनों फलन में त्वरण नियत है, बाकी रूट के एक्स नहीं है, के एक्स नहीं है, 1/ के रूट एक्स नहीं है, के का घात 1/3 नहीं है त्वरण नियत, इसमें त्वरण नियत नहीं है, इसमें त्वरण नियत नहीं है। देखो ए बराबर 6 - 2b, मतलब त्वरण वेग पे निर्भर करना है, मतलब त्वरण नियत नहीं है। ए बराबर 2t त्वरण नियत नहीं है, ए बराबर 2x3 त्वरण नियत नहीं है, क्योंकि ए जो है डायरेक्ट देखिए यहां पे त्वरण किस पे निर्भर कर रहा है, समय पे निर्भर कर रहा है, तो त्वरण नियत कैसे हो जाएगा। ये कह रहा है कि अलग अलग टी रखोगे तो अलग अलग त्वरण आएगा, मतलब त्वरण परिवर्तित हो गया। ए बराबर 2x3 अलग अलग स्थिति पे अलग अलग त्वरण आएगा, मतलब त्वरण नियत नहीं है। ए बराबर साइन टी मतलब त्वरण समय पे निर्भर कर रहा है, मतलब त्वरण नियत नहीं है, त्वरण नियत नहीं है। ए बराबर त्वरण बराबर ई का घात टी त्वरण नियत नहीं है। त्वरण नियत कब हो सकता है? त्वरण नियत तभी होगा जब एक्स का एक्स के घात में, मतलब त्वरण के फलन में, त्वरण के फलन में समय का घात 2 हो, त्वरण के फलन में समय का घात 2 हो, या वेग के फलन में एक्स घात रूट एक्स हो, या बेग के फलन में टी का घात 1 हो। इन तीनों स्थिति में त्वरण नियत होगा, अन्यथा त्वरण नियत नहीं होगा। क्या क्लियर है ये तीन बात आपको समझ आ गया? यहां देखिए ए बराबर अगर 5 m/s² है तो यहां पे त्वरण नियत होगा, अन्यथा यहां पे त्वरण नियत और यहां पे त्वरण नियत नहीं है। क्लियर है क्या ये बात? इसको ढंग से लिख लीजिए, ठीक है बेटा, इसको ढंग से लिख लीजिए।